संकट मोचन अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, राम भक्त हनुमान को ऐसे कई नामों से जाना जाता है। हर साल चैत्र मास के पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस बार 23 अप्रैल मंगलवार को हनुमान जयंती मनाई जा रही है। हनुमान जयंती पर हनुमत लला को प्रसन्न करने के लिए कई सारे उपाय किए जाते हैं। इन उपायों में सिंदूर से जुड़े कुछ अचूक उपाय भी हैं जिससे राम भक्त हनुमान अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आइए जानते हैं काशी के ज्योतिषाचार्य से इसके बारे में। उपाय जो है हनुमान जी के सिंदूर का कई प्रकार का उपाय है। एक तो महत्वपूर्ण उपाय है कि जिसको शनि की 7.5 चल रही हो या शनि देवता अगर किसी को परेशान कर रहे हों तो हनुमान जी के चरण में जा करके सिंदूर का लेपन करे तो उसका जो है शनि की 7.5 दूर हो जाती है। एक तो सिंदूर का ये प्रयोग है। दूसरा प्रयोग है हनुमान जी को बल और बुद्धि का ज्ञाता माना गया है और दुर्घटना से वो रक्षा भी करते हैं। वही हनुमान जी को लगाया हुआ सिंदूर चरण का लेकर के यदि हम अपने मस्तक पर लगाते हैं तो दुर्घटना से हमारी रक्षा होती है। और वही हनुमान जी का सिंदूर जो उनके चरणारविंद में हमने लगाया है उस सिंदूर को यदि हम कंठ में लगाते हैं तो हमको बल की प्राप्ति होती है, क्योंकि हनुमान जी बल और विद्या के ज्ञाता हैं, बुद्धि के ज्ञाता हैं, और सिंदूर में सूर्य का प्रभाव आता है और नैसर्गिक काल पुरुष की कुंडली में पंचम स्थान सूर्य का होता है। तो इसलिए अगर हम थोड़ा सा हनुमान जी के चरण का लगा हुआ सिंदूर यदि अपने विद्या पे, पुस्तक पर, कापियों पर लगा दें या काफी पे किसी बाहरी भाग पर हम एक स्वास्तिक चिन्ह बना दें या हनुमान जी का कुछ बीजाक्षर लिख करके रख दें एक भोजपत्र पर और उसको कापी में रख दें तो उस हमारे लिए विद्या और बुद्धि के लिए बहुत प्रशस्त कार्य होता है। अगर यह कार्य करें तो हम समझते हैं कि व्यक्ति का कल्याण निश्चित है। जी विष्णु।